आज हम जानकारी दिलवाने वाले हैं पक्षियों में बर्ड फ्लू नियंत्रण एवं प्रबंधन के बारे में। बर्ड फ्लू एक इन्फ्लुएंजा एक बीमारी है जो कि इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है, टाइप ए वायरस, और ये इसको H5N1 नाम से भी कहा जाता है। ये दो प्रकार की प्रोटीन से बना होता है, हेमाग्लुटिनिन और न्यूरामिनिडेज, और यह एक तरह से कहा जाए तो जैसे फ्लू नाम से ही पता चलता है, इसमें सर्दी जुकाम होती है और इसमें मुर्गियां फिर ये लक्षण सब दिखाते हुए फिर मरने लग जाती हैं। इसकी शुरुआती लक्षण कैसे हैं, कैसे हमारे किसान भाई पहचाने हैं कि उनके पशु पक्षियों में या मुर्गियों में बर्ड फ्लू का प्रकोप शुरू हो गया है? देखिए, मुर्गियों का ये लक्षण होता है कि जब उन्हें यह बीमारी हो जाती है तो उनका सिर वाला हिस्सा, गले वाला हिस्सा और पैर वाला हिस्सा जो है वो फूलने लग जाता है, और उनका जो ऊपर का कोम्ब होता है वो थोड़ा सा बैंगनी रंग का होने लगता है, और उसके नाक से पानी बहना शुरू होता है, सर्दी ज़ुकाम होने लगता है, और एक एक करके मुर्गियां फिर मरने लग जाती है, और आगे चल करके बहुत ही वृहद पैमाने पर मुर्गियों का मतलब की मृत्यु होने लग जाती है। तो आप कह सकते हैं कि हाँ, ये इसको बर्ड फ्लू हुआ है। अगर हमारे किसान भाइयों को पता चल गया कि उनके पशु पक्षियों में बर्ड फ्लू का प्रकोप शुरू हो गया तो उसका बचाव कैसे करेंगे, शुरुआती दौर से किस बातों का वो ध्यान रखेंगे? देखिए, सबसे पहली बात है कि इन्फ्लुएंजा वायरस जो है वो वायरस की वजह से होता है, और वायरस में आप एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप वाटर सैनिटाइज़र का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए सही तरीका यही होगा कि जो मुर्गियां हैं, जो इन्फेक्टेड मुर्गियां हैं, उन मुर्गियों को अलग कर दिया जाए, और अलग करके उन लोगों का कलिंग कर दिया जाए, और बाकी जो नए प्लॉट की जो मुर्गियां आई हैं उनको रखने का स्थान और पुरानी मुर्गियों को रखने का स्थान दोनों अलग होना चाहिए। इन लोगों को आप तभी मिला सकते हैं जब 21-22 दिन का अंतराल पूरा हो गया हो, और जब भी आप मुर्गियों को कटिंग कर रहे हो तो फिर उन लोगों का जितना भी वेस्ट होता है उसको आप लोग गड्ढा करके उसको वहाँ पर गाड़ करके ऊपर से ढक दीजिए, और चाहे तो चूना से भी उसको ऊपर से भर सकते हैं, और इसके अलावा उसके कभी आप उसका कटिंग कर रहे हैं तो फिर उसके ऑर्गन्स को इधर उधर ना फेंकें, और कोई भी काम आप लोग मुर्गियों के साथ करें तो इस बात का ख्याल रखें कि आप लोग भी सैनिटाइज हो, हाथों में ग्लव्स होना चाहिए, और सभी सुरक्षा जो नियम है उन सबों का पालन होना चाहिए, समय समय पर हाथ धोएं। तो ऐसे करके बर्ड फ्लू से खुद भी बचा जा सकता है और मुर्गियों को भी आगे बचाया जा सकता है। मैडम, हम आपसे जानना चाहें कि बर्ड फ्लू का प्रकोप क्या सिर्फ मुर्गियों में ही होता है, इसके अलावा और किन किन पक्षियों में, जैसे भेड़ हो गए, बकरी हो गए, इन सबों में भी अगर होता है तो इसकी रोकथाम कैसे हमारे किसान भाई करेंगे? देखिए, मुर्गियों में जो बर्ड फ्लू होता है H5N1, ये न केवल मुर्गियों में होता है बल्कि हर एक पशु पक्षी, चाहे वो टर्की हो गई, बटेर हो गए, या फिर उड़ने वाली चिड़ियां सब हो गई, इन सबों में होता है। इसके अलावा अगर उसके संपर्क में इंसान भी आते हैं हम लोग, तो हमें भी बर्ड फ्लू हो सकते हैं, हमें भी सर्दी ज़ुकाम आ सकता है, और हेडेक होगा, हमारा शरीर में अकड़न होगा, तो वो सब हमें हो सकता है।